अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निबा न्यूज़ ऑनलाइन टीवी। मैं हूँ सूरज कुमार। मैं हूँ अब्दुल सत्तार। प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ जारी है। प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में पहली खबर शामिल कर, हुकूमती वज़रा ने स्पीकर असेंबली को अपोजिशन की जानिब से जमा कराई जाने वाली तहरीके अदम एतमाद पर आइंदा हफ्ते इजलास बुलाने की तजवीज़ पेश कर दी। जनाब, इस तहरीक में क्या होगा, ये कौन सी तहरीक है? ये वो तरीके जो कि पिछले कोई 3-4 हफ्तों से लगातार इसकी बातें चल रही है मीडिया पर कि तरीके। मैं तो 3-4 सालों से इसको सुन रहा हूँ कि भाई आएगी, इमरान खान जाएंगे। हाँ, जब से इमरान खान हुकूमत में आई है तब से अदम एतमाद जो है काफ़ी मरतबा हम सुन चुके हैं। अब तक कोई ये तहरीक कामयाब हो नहीं सकी है। अदम एतमाद पर अपोजिशन को खुद ही एतमाद नहीं है। हाँ, इस बार चूँकि लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप किया है हुकूमत ने। अच्छा, फवाद चौधरी कहते हैं कि अभी अपोजिशन वाले कहते हैं एम्पायर न्यूट्रल है, लेकिन हारने के बाद फिर थर्ड एम्पायर का शोर न मचा दें। ये कौन से वाले एम्पायर की बात हो रही है? अच्छा, ये क्रिकेट के एम्पायर की बात हो रही है? नहीं हो रही। आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट के जो एम्पायर होते हैं, नहीं, ये गुल्ली डंडा के एम्पायर की बात हो रही है। अच्छा, हाँ, बात एम्पायर की हो रही है। बात ये गोल्फ के भी हो सकते हैं। खैर, अगली खबर पर चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज पंजाब की पार्लियामानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। ताहम तरीन ग्रुप ने इजलास के बायकॉट का ऐलान कर दिया गया है। तरीन ग्रुप की एक बार फिर से दबंग एंट्री हुई है इस अदम एतमाद तहरीक से पहले। काफ़ी महंगे तरीन साबित हो रहे हैं तरीन ग्रुप वाले अरकान, और उसके साथ साथ जो हुकूमती अरकान ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, हुकूमती अरकान हुकूमती बेंचेस पे जो ट्रेजरी बेंचेस खाली होंगी। अच्छा, इस तहरीक अदम एतमाद की तहरीक से पहले हो सकता है कोई बड़ी तब्दीली भी देखने को मिले। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब भी तब्दील हो सकते हैं। उस्मान बुज़दार वो कहते हैं कि भाई मैंने तो ना यूक्रेन की जंग में कोई साजिश की है ना रूस की, मुझे क्यों निकाला जा रहा है। एक बार फिर से कोई ऐसा बंदा होगा जो कहेगा मुझे क्यों निकलने की सूरत, तो वो उस्मान बुज़दार हो सकते हैं। जनाब, कुछ नाम भी हमारे सामने आए जो कि अगले वज़ीर आला बन सकते हैं, वज़ीर आला पंजाब। कौन कौन से नाम है वो? परवेज़ इलाही जो कि इस वक्त मजबूत तरीन कैंडिडेट माने जा रहे हैं, और अब्दुल अलीम खान खबरें गर्दिश कर रहे हैं कि शायद उनको भी मौका मिले। बिल्कुल। एक भारतीय किसान हैं, उन्होंने कोशिश की थी साल 2014 में एक कामयाब तजर्बा करने की कि जो पेड़ होते हैं उनसे फल चुराने की। बचपन में आपने चुराया होंगे काफ़ी? हाँ नहीं, मेरी ज़िंदगी काफ़ी शहर में गुजरी है, आपकी यकीनन गांव में गुजरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो भाई मेरे अपने बाग होते थे इसलिए चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप वहाँ पे हारी का काम करते होंगे यकीनन। खैर, कोशिश अच्छी थी। बहरहाल, उसने एक मोटरसाइकिल ईजाद की है जिस मोटरसाइकिल में वो चढ़ कर पेड़ पर जाएगा और फल तोड़ लाएगा आपके लिए, मीठे 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 आम आपके लिए लेके आएगा। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऐसा प्लान तैयार कर रखा है कि अपोजिशन को समझ नहीं आया। मतलब क्या ऐसा, क्या उसमें कोई देखिए ना मेथ है, क्या है समझ नहीं आएगा? ऐसा कौन सा प्लान है मुझे बताएं थोड़ा। देखिए, ये प्लान जो है काफ़ी सीक्रेट रखा गया है अब तक। ये जो वो कार्ड है जो कि तहरीक अदम एतमाद के दिन जो है शो कराया जाएगा। अब तक जो है अपोजिशन की तरफ से सारे कार्ड्स दिखाए गए हैं, जो कर भी जिसके पास है वो दिखाया गया है और जिसके पास यक्का है वो भी दिखाया गया है। अच्छा, लेकिन आपकी वही बात कि जिस जो जोकर है उनके पास जोकर होगा और जो यक्के है उनके पास यक्का होगा। चेस्ट के साथ, सीने के साथ हुकूमती कार्ड्स अभी भी छुपे हुए हैं, कोई पता नहीं, और अवाम बेचारे तमाशे ही बने हुए हैं। खैर, अगली खबर पर जाएंगे। ज़िला जेलम की तहसील दीना में पुलिस ने लखपति भिखारी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा, भिखारी भी है और लखपति भी है। अब सोचें इसको भिखारी बोलें या लखपति बोलें। लेकिन आपकी खबर जो है थोड़ी और डिटेल में हम जानना चाहेंगे कैसे, यानी क्या मामला है। अच्छा, एक न्यूज़ थी जिस पर काम किया जेलम की पुलिस ने और भिखारी को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार होने के बाद उससे जो पैसे निकले, कमाल है भाई। प्रोग्राम छोड़ते हैं, ये काम करते हैं, आप पे सूट भी करता है। जनाब, ये था हमारा आज का, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़। जनाब, ये था आज का न्यूज़ एंड व्यूज़। अब्दुल सत्तार और सूरज कुमार, हम दोनों को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।